कन्नौज के छिबरामऊ बहबलपुर निवासी एक महिला ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पति को लूट, डकैती, चोरी व अपहरण जैसे संगीन अपराधों में लिप्त होने के बाद कहते हुए कोतवाली पुलिस से शिकायत करने आई की गुहार लगाई है। बहबलपुर निवासी पूजा ने कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उनके पति, सास व ससुर मुझे निरंतर परेशान करते और मारपीट करते हैं। मेरा पति लूट, डकैती, चोरी, वाहन तस्करी करता है। इसके ऊपर कई मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज है। 7 नवम्बर शाम 7:30 बजे जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरी सास व ससुर व पति कुछ अज्ञात लोग द्वारा तथा बाहर से अपहरण की गई दो महिला भी अंदर मौजूद थी, जिसे ये लोग धंधा करवाते हैं। मुझसे भी कहने लगे और मेरे मना करने पर उक्त अज्ञात लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और जाति सूचक गाली देने लगे। पीड़ित महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए कन्नौज से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरे साथ मैं अपने घर जाती हूँ तो मेरे पति मेरे को घर में रहने नहीं देते हैं। मेरे सास ससुर सब मार पीट करते हैं। मेरे साथ सास का नाम रेखा, ससुर का नाम विमलेश्वर, पति का नाम अजय। वो लोग कहते हैं कि मैं आपको घर पे नहीं रखूँगा, मैंने दूसरी शादी कर ली, दूसरों को रख रहे हैं, गुड़गांव से भगा के लिए है। सर मेरे को जानकारी क्या हुई है, मेरे को पता है, एक तो मेरी रिश्तेदारी की लड़की है जो मेरे पति ने कर रखी है, एक मेरा देवर गुड़गांव से लेके भाग गया आए थे। हो गए 2-3, 5-6 महीने हो गए जो देवर लेके आया। मेरे पति तो 2 साल हो गए दूसरी स्त्री के साथ रह रहे हैं, मेरे को नहीं रख रहे हैं, मेरे को घर में घुसने नहीं देते हैं, मारते पीटते हैं सभी लोग। क्या कहते हैं वो? यही कहते हैं कि आप अपने घर रहो, मैं नहीं रखूंगा, या तो 2 लाख रुपए दो तब मैं आपको घर में रखने दूँ, रखूंगा या तो नहीं रखूंगा, या तो आप अपने मायके रहिए। जी बहुत गरीब हैं वो, इस स्थिति में नहीं है जो वो इतने 2 लाख रुपए दे पाए। और जब शादी की थी जब भी 2-3 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी की, ये सारा दहेज वगैरह सब ले रखा है। 2 बच्चे मेरे वो भी ले रखे, एक लड़का है 12 साल का, एक लड़की है 10 साल की, वो भी ले रखे हैं। बच्चे भी नहीं मेरे को दे रहे हैं मुझे। क्या कहते हैं वो? यही कहते हैं कि आप अपने घर रहो, मैं नहीं रखूँगा, मैं दूसरी के साथ रहूँगा। हाँ वो मेरे रिश्तेदारी की है, मेरे बुआ पापा की लड़की है, उसका नाम मंजू है। बच्चे मेरे 2 हैं, एक लड़का एक लड़की, 12 साल का लड़का है, 10 साल की बेटी है। शादी हुई थी आपकी? मेरी 14वीं साल चल रही है, 2010 में शादी हुई थी। आपको छोड़ के रखा है? मेरे को हो गए 2 साल से दूसरी कर ली है, मेरे को 2 साल से घर पे रहने नहीं देते हैं, बाहर निकाल दिया है मेरे को। मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे तो माँ बाप भी बहुत गरीब हैं, बहुत कहाँ से उसको रख रहे हैं। तब से आपने कहीं शिकायत की थी क्या? सर मैं थाने और जा चुकी हूँ, अप्लीकेशन दे चुकी हूँ थाने चौकी में, कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। 2-3 बार मैं दे चुकी हूँ अप्लीकेशन। क्या कहते हैं वो लोग? मुकदमा भी नहीं थाने से लिखा जा रहा है मेरा। क्या कहते हैं? अभी आज भी दे के आई हूँ अप्लीकेशन, अभी तो मैं दे के आई हूँ, अभी तो कुछ पता नहीं। अब देखो आगे ने अभी तो अप्लीकेशन ले लिया और अभी कुछ नहीं किया है। अभी कुछ नहीं हुआ क्या? जब भी कुछ नहीं हुआ, 2-3 बार पहले भी दे चुकी हूँ।